الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على خير الأنام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله عز وجل في آية أخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا حسی کوئی نہیں ماں جن سکی دنیا میں تجھ سا محجبی کوئی مبرہ تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا بنایا تجھ کو ویسا ہی کہ چاہا تو نے خود جیسا وبعد ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् पापम इल्लल्लाह परम पदम जनम वैकुंठ परात अनोति जपे नाम मोहम्मदम यज्ञियम परचोच्छाम्यवम सतदूत विवोचति पूर्वयम गतम कस्तदि विभारत अविक्तम विक्तिमापन्नम मनैनते माम बुद्धय अंधंतम परविशन्ति असंभूति उपास्ते ततु भूयैव ते तमुयौ संभूतिया प्रत न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टा नैव च तस्य लिंगणं सकारणं कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चि जन्निता न चाधिप यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु सर्व अवतार साथि सर्व धर्म ग्रंथ साथि समता सम्मलन प्रार्थना दावदशियाम शुक्ल पक्षस्य माधवे माशी माधव जाते ददर्श तु पितरम पितरो हष्टिमान सो उष्टुरायस्य पड़वाहिनो मधुमंतु दिविरिदश दिव इस्माना सपरिश वेदाह अहमदं पुरुषं महांतम अदित्य वलनं तमसः परस्ता तमिव विदिताति मृत्युमीति नानय पनथा विधाति अनय प्रथम तारक चैवा दीति दंड मुचियते तीति कुंडला कारम चतुर्थ अर्थे चंदुर का पंचम बिंदु संयुक्त ओम जयोति अतिया लिंग छेदी शिखाहीना शमसुरुधारी सदूषक उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनुमं विनाकुलं च पश्वस्ति शाम यहाँ न पक्षपात कुछ राखू वेद पुराण संत मत भाखू सनवत विकरण दो अनंडा महागोक्नस चतु पर दंडा राजनीति भव
प्रीति दिखावै अपना मत सबका समझावै सुरंचतु सुदृ सच्चारी तिनको वंश भयो अति भारी तब तक मद्दि सुंदर कोया बिना महामद पार न होया। आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, दो मिलाकर पचगुन कर लो फिर बीस के भाग लगाए, बाकी बचे को नौ गुन कर लो और दो उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद के आए। दम बनी वर सेफ टू देयर एपोस्टल्स वी विल ड्राइव यू आउट ऑफ आवर लैंड। अल्लाह फॉरबिड दीन इज इस्लाम, इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस, गाइड अस टू द पाथ दैट इज स्ट्रेट। कबीर दास परेश मोहम्मद फॉर हैविंग नो आंसर। स्टेज पर जलवा अफरोज हजरत अकाबिर उलमाए किराम शुअराए निजाम बुजुर्गों दोस्तों अजीज साथियों पर्दा नशी माता और बहनों, अंतिम महापुरुष विष्णु के दसवें अवतार कल्कि काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में इस संसार में उपस्थित होने से पूर्व संसार का नक्शा बिल्कुल चेंज हो चुका था। सारी इंसानियत तबाहियों बर्बादी के दहाने पर खड़ी कपकपा रही थी। मुआशरे और समाज से उखुवत और भाईचारगी के सुंदर अल्फाज सुंदर सेंटेंस बिल्कुल गायब हो चुके थे। इंसानी कुलूब पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे। जुल्म जाति और एक दूसरे पर जुल्म सितम का पहाड़, एक भाई अपने भाई का सर कलम करके उसकी खोपड़ी में शराब पिया करता और पुत्र अपनी मां के साथ अगर उसका फादर डेट कर जाता तो वो अपनी मम्मी के साथ रेप किया करता। रूम और फारस में औरतों की मंडियां लगती, गाजर और मूली की तरह औरतों को बाजार से खरीद कर हवस का शिकार बना लिया जाता और बेयारों मददगार छोड़ दिया जाता। बाज घराने में संगदिली का यह आलम था, जब बच्ची 5-6 वर्ष को होती तो उसका जालिम बाप अपनी बच्ची को बना सवार कर एक सुनसान जंगल में ले जाता, वहां ले जाकर बच्ची को जिंदा जेरे जमीन कर दिया करता। बुखारी की रिवायत है, बच्ची चीखती चिल्लाती बाप से दया तलब करती, या अबता इरहम, या अबता इरहम, या अबता इरहम, हे मेरे फादर मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर रहम करो। उस जालिम बाप को जर्रा बराबर रहम नहीं आता, बल्कि अपने माशरे और समाज में आकर गर्व से कहा करता, पता है आज मैंने क्या किया, आज मैंने अपनी बच्ची को जिंदा जेरे जमीन कर दिया है। जब सारी इंसानियत तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी कपकपा रही थी, उस वक्त वो मासूम कलिया अल्लाह के सामने झोली फैलाकर हाथ फैलाकर रो रो कर पुकार कर ये दुआ कर रही थी, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत सर्व धर्म ग्रंथ सत समता संबलन प्रार्थना। वो मासूम कलिया अल्लाह के सामने झोली फैला कर दुआ कर रही थी, ऐ मालिक ऐ कायनात, ऐ खालिक ऐ कायनात, ऐ जमी को समा को मकी को मका को आसमानों को जमीनों को दरियाओं को जंगलों को बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले, मुझे इन जालिमों
पसीना भी उमदा, मेरे आका का हंसना भी उमदा, मेरे आका का रोना भी उमदा, मेरे आका का चेहरा भी उमदा, मेरे आका की जुल्फे भी उमदा, मेरे आका की आंखें भी उमदा, मेरे आका के होंठ भी उमदा, मेरे आका के दांत भी उमदा, मेरे आका की दाढ़ी भी उमदा, मेरे आका की गर्दन भी उमदा, मेरे आका की पुश्त भी उमदा, मेरे आका की शिकन भी उमदा, मेरे आका का सीना भी उमदा, मेरे आका का जानो भी उमदा, मेरे आका की हथेली भी उमदा, मेरे आका की हथेली की उंगली भी उमदा, मेरे आका की पिंडली भी उमदा, मेरे आका का तलवा भी उमदा, मेरे आका के तलवे का धूल भी। जैसे ही काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमीन पर अपना कदम रखा तो सारी इंसानियत और मानवता को यह संदेश दिया, अद्दीनु अन्नसीहा, इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस, इस्लाम नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है प्रेम का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है नंगे को कपड़ा पहनाने का, इस्लाम नाम है भटके हुए को रास्ता दिखाने का। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी इंसानियत और मानवता को यह संदेश और आदेश दिया कि इस्लाम में तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, अपने मन के पाप को मारना बड़ी लड़ाई है। कामयाब है वो मनुष्य जो तीर और तलवार, बम और बारूद की लड़ाई को छोड़ दे, अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करने की कोशिश करे। आज हाथ में माला है, गले में माला है, लेकिन दिल सरापा काला है। 80 साल का बूढ़ा आसाराम बापू, उसका भी वही हाल है। अपने आप को आधा हिंदू आधा मुस्लिम कहने वाला राम रहीम, उसके हाथ में भी माला है, गले में भी माला है, लेकिन दिन सरापा काला है। माला फेरत जुग भाया फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग भाया फिरा न मन का फेर, मन का फेर। गीता का श्लोक है, कर्म इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज वादा कीजिए, मैं तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों से कहता, आज ये वचन लेकर जाइए कि हम सब इंशाल्लाह अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, या अल्लाह तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के दिलों पर अमृत की वर्षा फरमा। कह दो मोहब्बत से, बुलंद आवाज से, अल्लाह आप सबके जज्बे और हौसले को कबूल फरमावे। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आपने जो वेलकम और स्वागत किया है, आपने जो आदर और सम्मान किया है, आज मैं दिल की अथाह गहराइयों से ये कहना चाहता, अगर किसी इंसान के हाथ ना हो, इंसान लूला बनकर भी जिंदा रह सकता। अगर किसी मनुष्य के पैर ना हो तो वो लंगड़ा बनकर भी जिंदा रह सकता। आंखें ना हो वो अंधा बनकर भी जिंदा रह सकता। कान ना हो वो बहरा बनकर भी जिंदा रह सकता। मुंह में दांत ना हो वो पोपला बनकर भी जिंदा रह सकता। जबान ना हो वो गूंगा बनकर भी जिंदा रह सकता। बल्कि मुझे इससे भी आगे बढ़कर कहने की इजाजत दे दो, अगर किसी मनुष्य का हाथ गलत उठे, हाथ को तोड़ा जा सकता। पैर गलत उठे, पैर को मरोड़ा जा सकता। निगाह गलत देखे, आंखों को फोड़ा जा सकता। कान गलत सुने, कुव्वते समाज को खत्म किया जा सकता। जबान गलत बोले, जबान पर ताला और लगाम लगाया जा सकता। लेकिन अगर किसी मनुष्य का दिल गलत हो तो उसका कोई इलाज नहीं। दिल सही तो हाथ सही, दिल सही तो पैर सही, दिल सही तो कान सही, दिल सही तो आंखें सही, दिल सही तो जबान सही, दिल सही तो सब सही, दिल गलत तो सब गलत। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल को
मुझसे पुराना कोई। अंतिम महापुरुष काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखो, प्यार देखो, कैरेक्टर देखो। आज दुनिया बदनाम करती कि इस्लाम तलवार से फैला। मैं साफ वजाहत के साथ ये कह देना चाहता हिंदू मुस्लिम भाइयों, बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। इस्लाम इज स्प्रेड बाई कैरेक्टर, नॉट बाई शॉट। इस्लाम तो प्यार से फैला है, इस्लाम मोहब्बत से फैला है, इस्लाम प्रेम से फैला है, इस्लाम आदर से फैला है, इस्लाम सम्मान से फैला है, इस्लाम काली कमली वाले मुस्तफा के अखलाक और किरदार से फैला है, तलवार से नहीं फैला। अगर तलवार से फैलता तो खुदा की कसम हमारे हिंदू भाई, सिख और क्रिश्चियन आज इस हिंदुस्तान में नहीं होते। हम सब मोहब्बत और प्रेम के साथ हमेशा इस हिंदुस्तान में अपना जीवन बिताए हैं और हमेशा बिताते रहेंगे। और यही हिंदू भाइयों का वेद कहता है, तस्मिन अंतरे मलीचाचार्य समन्विता महामत एकाथी शिष्य शाखा समन्विता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका आदर और सम्मान किया। हत्ता के एक क्रिश्चियन रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर आता है। आने का अंदाज बड़ा अजीब और गरीब है। हाथ में नंगी तलवार लेकर आता है। कलाम गुस्ताखाना है, ना अदब है, ना एहतराम है, ना प्यार है, ना सम्मान है। आकर कहता है, ऐ मोहम्मद, मैं दूर से आया हूँ, थका मानदा हूँ, भूख और प्यास से दो चार हूँ, सबसे पहले मुझे भोजन कराओ। ओ दुनिया वालों, ओ अपने आप को उस्ताद नबी कहने वालों, जरा मेरे नबी का अखलाक देखो, मेरे नबी का किरदार देखो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस क्रिश्चियन का सम्मान किया और कहा कि आप तशरीफ रखिए। घर में जो खाना हाजिर था, दस्तरखान बिछाया, दस्तरखान पर रख दिया। यहूदी वो क्रिश्चियन रोटियां तोड़ तोड़ कर कुछ खाता है, कुछ जमीन पर गिराता है, लेकिन अंतिम महापुरुष काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह नबूवत से देख रहे थे। लेकिन आपने न रोका, न टोका, न बुरा भला कहा, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे भोजन कराया, उसका सम्मान किया, उससे प्रेम किया, उसका आदर किया। वो यहूदी वो क्रिश्चियन दिल ही दिल में सोचता है, मैं बरसों से जो सुनता चला आ रहा था, आखिरी नबी मोहम्मद होंगे, उनके अखलाक बहुत उम्दा होंगे, ये बात, ये औसाफ, ये चाल, ये चलन इनमें पाई जा रही है। हो न हो, आखिरी नबी यही है, अंतिम महापुरुष यही है, कल की अवतार यही है। उसने अंतिम महापुरुष से कहा, है मोहम्मद, तूने मुझे खाना भी खिलाया, तूने मुझे भोजन भी कराया, तूने मुझे पानी भी पिलाया, तूने मेरा आदर और सम्मान भी किया, अब मेरे आराम के लिए बिस्तर लगा दो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर एक ही बिस्तर मुबारक था, उसी पर आप आराम फरमाते, उसी पर राम पुरुष यानी सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते, उसी पर ईश्वर वाणी अवतरित होता, उसी पर काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन वही इलाही लेकर उतरते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बिस्तर मुबारक पाक और पवित्र था, लेकिन यहूदी काफिर था, कुफ्र के दलदल में फंसा हुआ था, लेकिन मेरे नबी का मेहमान था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिस्तर पेश कर दिया। यहूदी दिल ही दिल में सोचता है, मैं बरसों से जो सुनता चला आ रहा था, आखिरी नबी मोहम्मद होंगे, उनके अखलाक और किरदार बहुत उम्दा होंगे, ये बात, ये औसाफ इनमें पाई जा रही है। उसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर मुबारक पर पेशाब किया, पाखाना किया, बिस्तर को नजीस और नापाक करके, वो तलवार जो लेकर आया था आपको कत्ल करने के इरादे से, वो तलवार छोड़कर अपने घर की जानिब रवाना हो गया। उधर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहमान की खबर गिरी के लिए आए तो देखते क्या है,
मेहमान गायब है, बिस्तर से बदबू आ रही है। आप अलैहिस्सलाम ने देखा बिस्तर खाली है, मेहमान गायब है, बिस्तर से बदबू आ रही है। आप अलैहिस्सलाम ने अपना सर सजदे में रख के रोना शुरू कर दिया, क्या है मेरे ईश्वर, ऐ परमात्मा, ऐ खुदावंदे कुद्दूस, मैंने अपने मेहमान की खबरगीरी नहीं की, तू मेरी गलती को माफ फरमा। ओ दुनिया वालों, अपने आप को शाके नबी कहने वालों, जरा मेरे नबी का अखलाक देखो। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी वाइफ, अपनी होम मेकर अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, ऐ आयशा लोटे में पानी लो। अम्मा आयशा सिद्दीका लोटे में पानी लेती है। आप अलैहिस्सलाम बिस्तर को अपने पाक और पवित्र हाथ से साफ करना शुरू कर देते हैं। काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बिलाल हबशी आ जाता है। बिलाल हबशी इस मंजर को देखकर तड़प गया। आप अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ऐ मेरे सरकार, या रसूल अल्लाह, मैं आपका खादिम और गुलाम हूँ, मैं आपका सच्चा भगत हूँ, आप ये काम मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं आपका बिस्तर साफ करूँगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे बिलाल, मेहमान मेरा था ना कि तेरा, कल कयामत के दिन जब ईश्वर और परमात्मा इस मेहमान के बारे में प्रश्न पूछेगा तो ये सवाल मुझसे होगा ना कि तुमसे होगा, इसलिए बिस्तर तो मैं ही साफ करूंगा। ओ दुनिया वालों, अपने आप को इशाक़े नबी कहने वालों, आप अलैहिस्सलाम बिस्तर साफ कर रहे हैं। उधर वो यहूदी वो क्रिश्चियन जब आधे रास्ते में पहुंचता है, दिल ही दिल में सोचता है, हो सकता है मोहम्मद अब भी अपने उमदा अखलाक और किरदार की वजह से माफ कर दे, लेकिन अगर उमर को पता चल गया तो उमर से कोई बचा नहीं सकता। वो डरता और सहमता हुआ आता है, देखता है आप अलैहिस्सलाम अपने पाक और पवित्र हाथ से बिस्तर साफ कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम की निगाह बहुत दूर तक देखने वाली है। आप अलैहिस्सलाम की निगाह जैसे ही उस मेहमान पर पड़ी, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे मेहमान, तुझे दस्त हो गया था, तेरा पेट खराब हो गया था, तू मेरी गलती को माफ फरमा, मैंने तेरी खबरगीरी नहीं की, कल कयामत के दिन तब ईश्वर और परमात्मा मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। इतना कहना था कि वो क्रिश्चियन वो यहूदी आप अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर पड़ता है, आपके चरणों में गिर पड़ता है, कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं बरसों से जो सुनता चला आ रहा था, आखिरी नबी मोहम्मद होंगे, उनके अखलाक और किरदार बड़े उम्दा होंगे, ये बात, ये औसाफ, ये चाल, ये चलन इनमें पाई जा रही है, हकीकतन आप में पाई जा रही है। या रसूल अल्लाह, आप बिस्तर को बाद में पाक साफ कीजिएगा, सबसे पहले मुझे कलमा पढ़ाइए। मुस्तफा सल्ले अला, 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 बहर तबनी जे दी जब के ताइफ गए, मिलके कुफार पत्थर लगे मारने, चुर जख्म से बदन देती दिल को थी चुभन, देती दिल को थी चुभन, चुर जख्म से बदन लपे जारी थी दुआ, मुस्तफा सल्ले अला, मुस्तफा सल्ले अला। आज की भी एक ताजी खबर है, अमरीका के क्रिश्चियन ने आप अलैहिस्सलाम और मजहब इस्लाम के एजुकेशन, मजहब इस्लाम की तालीमात, मजहब इस्लाम की खूबियों को देखकर वो भी ईमान ले आया, उसने भी कलमा पढ़ लिया और अपना नाम अब्दुल लतीफ रखा है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। आखिर तो कोई बात है जो मजहब इस्लाम में है। यही वजह है काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका सम्मान किया, सबसे मोहब्बत और प्रेम किया, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और प्रेम की वजह से इस्लाम फैला,
इस्लाम इज स्प्रेड बाय करेक्टर नॉट बाय शॉट। इस्लाम तो मेरे आका के किरदार से फैला है, प्यार से फैला है, उल्फत से फैला है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से फैला है। यही वजह है कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पूरे जीवन में आपने अपनी तलवार से किसी को कत्ल किया हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी किसी पर तलवार नहीं उठाई। हाँ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दिफा किया है, जिस तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यदा यदा ही धर्मस गलानि भर्वति भारा, कहा था अपना दिफा करो और जो अधर्म है, जो पाप कर रहे हैं, उसके सर को तन से जुदा कर दो। लेकिन याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं बड़े प्रेम और सम्मान के साथ कहना चाहता, महाभारत तो मौजूद है, हिंदुओं में आपस में तो लड़ाइयां हुई है, लेकिन कभी भी हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम में कोई युद्ध नहीं हुआ। आज जो युद्ध की बात करते, आज जो हिंदू राष्ट्र की बात करते, मैं उसे बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता, आओ तुम भी मजहब इस्लाम की तालीमात को पढ़ो। पढ़ने के बाद खुदा की कसम, जब तक तुम मजहब इस्लाम की खूबियों को स्वीकार नहीं करोगे, चैन सुकून से नहीं बैठ पाओ। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाव। 850 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, लेकिन कभी भी हिंदू मुस्लिम का प्रेम भेदभाव में तब्दील नहीं हुआ। अकबर बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है? अकबर बादशाह के वजीर का नाम था बीरबल। क्या नाम था? आगे से पीछे तक बोलो। अकबर बादशाह के वजीर का नाम था बीरबल। बीरबल बहुत बड़ा विद्वान था। कुछ भेदभाव करने वालों ने अकबर बादशाह से शिकायत की, आप हम में से किसी को अपना होम मिनिस्टर बना लीजिए, हम में से किसी को अपना वजीर बना लीजिए। अकबर बादशाह ने तमाम भेदभाव करने वालों को बुलाया, कहा कि देख ये 3 पैसे हैं, जा एक पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। तमाम के तमाम भेदभाव करने वाले गए, थोड़ी देर में वापस आ गए, कहा बादशाह सलामत, अब मिला तब मिला, ना अब मिला ना तब मिला, तीनों पैसे वापस। अकबर बादशाह ने बीरबल को बुलाया, है बीरबल कम हियर, इधर आ, देख ये 3 पैसे हैं, अब तू जा, एक पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। बीरबल तमाम भेदभाव करने वालों को साथ लेकर जाता, देखता क्या है, जलेबी की दुकान है, गर्म और ताजी जलेबी बन रही है, 1 पैसे की जलेबी खरीद ली। जलेबी उस वक्त बहुत गर्म थी, खाने के काबिल न थी, उसे थैली में कर लिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, एक बुढ़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर क्वेश्चन कर रही है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। है कोई ईश्वर और परमात्मा के नाम पर दान करने वाला? दूसरा पैसा उस बुढ़िया को दान कर दिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, रक्त सुरूर की महफिल लगी हुई है, तीसरा पैसा देकर नाच देख लिया। उसके बाद अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा, अकबर बादशाह ने प्रश्न पूछा, है बीरबल तीनों पैसे क्या किए? बीरबल ने कहा कि बादशाह सलामत, 1 पैसे की मैंने जलेबी खरीद ली, जलेबी उस वक्त गर्म थी, खाने के काबिल न थी, अब खाने के काबिल है, 1 पैसे का मैंने ये अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा? कहा दूसरा पैसा मैंने बुढ़िया को दान कर दिया, जो अब काम नहीं आया, मरूंगा तब काम आएगा, दूसरे पैसे का मैंने ये तब खरीद लिया। कहा तीसरा पैसा? कहा तीसरे पैसे का मैंने नाच देख लिया, जो न अब काम आया, मरूंगा न तब काम आएगा। उसी वक्त अकबर बादशाह ने बीरबल का सम्मान किया, बीरबल की पेशानी को बोसा दिया और कहा कि बीरबल, जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, तू मेरा होम मिनिस्टर रहेगा, तब मुझे याद आता, एक उस वक्त का पीएम था, एक आज का पीएम है, एक उस वक्त
पाछे दिन पाछे गए। 15 लाख खाते में नहीं आने वाले। आछे दिन पाछे गए हरी से किया नहर, आछे दिन पाछे गए हरी से किया नहर, अब पछताए होत क्या। चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। दीदी ने कहा था, ममता दीदी ने, अच्छे दिन तो नहीं आए लेकिन अगर हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे के सम्मान के साथ अपने मन के पाप को पाक और पवित्र कर लेंगे तो इंशाल्लाह सच्चे दिन जरूर आएंगे। क्या आप लोग सच्चे दिन लाना चाहते हैं? आगे से पीछे तक हाथ उठाकर बताइए। लेकिन जब सच्चे दिन की बारी आती है तो हम सब तितर बितर हो जाते हैं। याद रखो, नो लाइफ इट एंड ड्रिंक एंड एंजॉय माई सेल्फ। जिंदगी सिर्फ एंजॉय का नाम नहीं है। एक मुसलमान सुबह सुबह नमाज पढ़ के एक जंगल के करीब से गुजर रहा था। देखता क्या है कि एक पक्षी बड़ी अच्छी आवाज से ईश्वर की भक्ति कर रही है। एक चिड़िया ईश्वर की वंदना करती हुई कह रही है, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। उधर से एक पंडित जी आ रहे थे। वैसे अब तक मुल्ला और पंडित में कभी लड़ाई मैंने नहीं सुनी है ना हुई है। लोग बोलते हैं, किस्सा सुनाते हैं, ये मैं बेसफे का किस्सा सुनाता हूं, आप लोग बहुत समझदार हैं। उधर से पंडित जी आ रहे थे। मुल्ला जी ने कहा कि यार देखो, चिड़िया कितनी अच्छी आवाज से ईश्वर की भक्ति कर रही है। चिड़िया कह रही है, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। पंडित जी ने कहा, चिड़िया सुभान तेरी कुदरत नहीं कह रही है, बल्कि चिड़िया कह रही है, सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। दोनों आपस में तू तू मैं करने लगे। दोनों एक दूसरे से ऑब्जेक्शन करने लगे, एक दूसरे पर एतराज करने लगे। एक तीसरा बनिया आ रहा था। बनिया ने कहा, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? कहा, यार देखो, चिड़िया कह रही है, पक्षी कह रही है, सुभान तेरी कुदरत, लेकिन पंडित जी कह रहे हैं, पक्षी कह रही है, सीताराम दशरथ। उसने कहा कि तुम दोनों गलत। चिड़िया ना कह रही है सुभान तेरी कुदरत, ना कह रही है सीताराम दशरथ, बल्कि चिड़िया कह रही है, नून तेल अदरक, नून तेल अदरक, नून तेल अदरक। अब तक तो दो पार्टी थी, ये तीसरी पार्टी कहां से आ गई? अब तीनों आपस में लड़ने लगे। नौबत ही आ गई कि तीनों हाथापाई करने लगे। एक पहलवान का गुजर हो रहा था, उसके हाथ में डंडा था। कहते हैं ना, लाओ डंडा खाएं डंडा, हर मजा डंडे में है। लग गया फिरौन के सर, फिर कजा डंडे में। उस पहलवान ने कहा, तुम तीनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? का यार देखो, चिड़िया कह रही है सुभान तेरी कुदरत, पंडित जी कह रहे हैं, चिड़िया कह रही है, अरे बोलो, सीताराम दशरथ। ये बनिया कहां से आ गया जो कह रहा है, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं कभी भी थैला लेके भाग जाऊंगा। देखो, ये बनिया कह रहा है नून तेल अदरक। आप लोग बहुत अकलमंद हैं, लेकिन ये बनिया कह रहा है नून तेल अदरक। उसने कहा कि सुनो, मेरा जो फैसला होगा वो तुम तमाम लोगों को तस्लीम करना पड़ेगा। कहा, ठीक है, मरता क्या ना करता। कहा, सरे तस्लीम हम है मिजाजे यार के आगे। कहा कर सुनो, तुम तीनों गलत। चिड़िया ना कह रही है सुभान तेरी कुदरत, ना कह रही है सीताराम दशरथ, ना कह रही है नून तेल अदरक, बल्कि चिड़िया कह रही है, उठो बैठो कसरत, उठो बैठो कसरत, उठो बैठो कसरत। जो रिश्ता रब से टूटेगा तो क्या क्या पूजे
ना होगा। जो रिश्ता रब से टूटेगा तो क्या क्या पूजना होगा। कभी पत्थर खुदा होंगे तो सूरज देवता होगा। मुसलमानों तुम आ जाते हो मकारों के चक्कर में, अगर दज्जाल आ निकला तुम्हारा हाल क्या होगा। लेकिन आज मैं स्पष्ट और क्लियर करके जाऊंगा पक्षी क्या कह रही थी। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आप अपने सीने पर हाथ रखकर बताएं, कायनात का जर्रा जर्रा, पूरे संसार की सारी चीजें किसकी वंदना करती है? अरे किसकी वंदना करती है, किसकी इबादत करती है, किसकी भक्ति करती है? कायनात की सारी चीजें एक अल्लाह की, एक ईश्वर की, एक परमेश्वर की, एक गॉड की, एक लॉर्ड की करती है या नहीं? एक खुदावंद कुद्दूस की इबादत करती, तो क्या चिड़िया नून तेल अदरक कह सकती है? चिड़िया को नून तेल अदरक से कोई वास्ता है? क्या चिड़िया सीताराम दशरथ कह सकती है? इसलिए कि श्री रामचंद्र जी ने और श्रीमती सीता ने खुद एक ईश्वर को पुकारा है। गीता का श्लोक है, अविग्रहम विग्रहम मनैरते माम बुद्धया स एष एष एकविर्देक एव। ईश्वर और परमात्मा एक है जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। मैं लापानी हूं, सारी इंसानियत कायनात का जर्रा जर्रा, सिर्फ एक ईश्वर की पूज्य प्रार्थना, सिर्फ एक ईश्वर की वंदना करता है। कायनात का जर्रा जर्रा सीताराम दशरथ, श्रीमती सीता श्री रामचंद्र जी की वाइफ का नाम है। राम श्री राम श्रीमती सीता के हस्बैंड है। दशरथ महाराज दशरथ यानी श्री रामचंद्र जी के फादर का नाम है। क्या चिड़िया मुसीबत और परेशानी में? हस्बैंड वाइफ और उनके फादर को पुकार सकती है। क्या चिड़िया उठो बैठो कसरत, चिड़िया पहलवानी कर सकती है? अरे चिड़िया पहलवानी करके क्या करेगी? स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया कि चिड़िया कह रही थी सुभान तेरी कुदरत। जिसे हिंदू भाई कहते हैं, हिंदू भाइयों का जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कायनात का जर्रा जर्रा, संसार का जर्रा जर्रा एक ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर के सिवा किसी की भक्ति नहीं करता। एक दहलिया था, वह हजारों का मजमा जमा करके कहा करता, जमीन ऑटोमेटिक बनी, आसमान ऑटोमेटिक बना, चंद्रमा ऑटोमेटिक बना, सूर्य ऑटोमेटिक बना, कायनात का जर्रा जर्रा ऑटोमेटिक बना। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा का गुजर हो रहा था, इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, पहले ये बता तू कैसे बना? उसने सोचा अगर मैं कहता हूँ मैं ऑटोमेटिक बना तो इधर मम्मी बैठी हुई है, इधर डैडी बैठे हुए हैं, मम्मी कहेगी कहे मेरे लाल तू कह रहा मैं ऑटोमेटिक बना, अगर तू ऑटोमेटिक बना, नौ माह तुझे मैंने अपने गर्भ में अपनी शिकम में अपने पेट में रखा है, नौ माह पेट में रखने की क्या जरूरत थी? उधर फादर बैठे हुए हैं, फादर कहेंगे पिता कहेंगे ऐ मेरे लाल तू कह रहा मैं ऑटोमेटिक बना, अगर तू ऑटोमेटिक बना तो मुझे तेरी मम्मी से शादी और विवाह की क्या जरूरत थी? उसने कहा कि मुल्ला जी मैं आपके इस क्वेश्चन का उत्तर आज नहीं दूंगा। कहा कब दोगे? कहा कल 10 बजे हमारा और आपका मुकाबला होगा, हमारा और आपका डिबेट होगा, हमारा और आपका मुनाजरा होगा। कहा ठीक है। वो दहरिया पहुंच गया 9:30 बजे ही, इमाम आजम अबू हनीफा पहुंचे 10:30 बजे।
उस दहरिया ने कहा कि मुल्ला जी आप वादा फेल कर गए। कहा क्या हुआ? कहा सुनो तो सही, जैसे ही मैं घर से चला मेरे सामने दरिया था, दरिया के सामने एक पेड़ था, पेड़ ऑटोमेटिक कटा, ऑटोमेटिक तख्ता बना, ऑटोमेटिक कश्ती बनी, ऑटोमेटिक में उस पर सवार हुआ और ऑटोमेटिक तुम्हारे सामने पहुंच गया। कहा कि मुल्ला जी तार वार तो नहीं छूट गया है? कहा मेरा नहीं छूटा, तेरा छूटा है। कहा मुल्ला जी कहीं दुनिया का एक मामूली दरख्त ऑटोमेटिक कट सकता है, ऑटोमेटिक तख्ता बन सकता है, ऑटोमेटिक कश्ती बन सकती है, ऑटोमेटिक आप उस पर सवार होकर मेरे सामने कैसे आ सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। तब इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, जब दुनिया का एक मामूली दरख्त ऑटोमेटिक कट नहीं सकता, ऑटोमेटिक तख्ता नहीं बन सकता, ऑटोमेटिक कश्ती नहीं बन सकती, ऑटोमेटिक मैं उस पर सवार होकर आपके सामने आ नहीं सकता, तो ये कायनात का जर्रा जर्रा ऑटोमेटिक कैसे बन सकता है? इसका कोई ना कोई बनाने वाला जरूर है। उसी को तो कहा गया कुरान करीम में कुल हुवल्लाहु अहद, उसी को वेद में कहा गया एश एश एक देख एवा यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु, सिर्फ एक ईश्वर और परमात्मा है जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। उसने कहा कि मुल्ला जी अगर इस कायनात को, इस संसार को एक ईश्वर और परमात्मा ने बनाया है तो आप ये बताइए कि ईश्वर और परमात्मा का चेहरा किधर है, ईश्वर और परमात्मा का क़िबला और काबा किधर है, उनका मुखड़ा किधर है? सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, बगल में मोमबत्ती की दुकान है, मोमबत्ती खरीद लो। मोमबत्ती खरीद ली, कहा जला दो, जला दी गई। कहा बता मोमबत्ती की रोशनी का रुख किधर है? कहा चारों तरफ। कहा यही तो कहता है कुरान, ऐनमा तवल्लौ फतम्म वजहुल्लाह, तुम जहां भी रुख करोगे वहां ईश्वर और परमात्मा को पालोगे। यही वेद कहता है, तस्यते भक्तिवान सस्याम, जहां भी ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करोगे वहां तुम ईश्वर को पालोगे, ईश्वर की वंदना तुम कहीं भी करोगे ईश्वर और परमात्मा को तुम वहीं पालोगे। उसने कहा कि मुल्ला जी अगर ईश्वर और परमात्मा का वजूद है, ईश्वर और परमात्मा का क़िबला और काबा भी है, तो आप ये बताइए ईश्वर और परमात्मा से पहले इस संसार में क्या था? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया गिनती आती है? कहा आती है। कहा गिनती शुरू कर। उसने गिनती शुरू कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहा यही करो बस। कहा बता 10 से पहले क्या है? अगर अल्लाह ने आप सबको भी मुफ्त में जबान दी है तो आप सब बताइए 10 से पहले क्या है? कहा बता 10 से पहले क्या है? 9 से पहले, 8 से पहले, 7 से पहले, 6 से पहले, 5 से पहले, 4 से पहले, 3 से पहले, 2 से पहले, 1 से पहले, 1 से पहले कुछ नहीं। इसी तरह ईश्वर और परमात्मा से पहले इस संसार में कुछ नहीं था। ईश्वर पहले भी अकेला था, अब भी अकेला है और हमेशा अकेला रहेगा। उसने कहा कि मुल्ला जी अगर ईश्वर और परमात्मा का वजूद है, ईश्वर और परमात्मा का क़िबला और काबा भी है, ईश्वर और परमात्मा से पहले इस संसार में कुछ नहीं था, तो ये बताइए कि ईश्वर और परमात्मा अभी क्या कर रहा है, अल्लाह अभी क्या कर रहा है? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, मैंने तमाम प्रश्न का उत्तर नीचे बैठकर दे दिया, इस चौथे प्रश्न का उत्तर ऐसे नहीं दूंगा। कहा कैसे देंगे? कहा आपको कुर्सी से नीचे उतरना पड़ेगा, मैं कुर्सी पर बैठूंगा तब इस चौथे क्वेश्चन का उत्तर दूंगा। कहा ठीक है, मैं कुर्सी से नीचे आ जाता हूं, आप कुर्सी पर आ जाइए, लेकिन इस चौथे क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ेगा। अब देखिए वो दहरिया कुर्सी से नीचे उतर रहा है, इमाम आजम अबू हनीफा कुर्सी पर बैठ रहे हैं, और चौथा क्वेश्चन क्या था? अरे बोलो, अल्लाह अभी, ईश्वर अभी क्या कर रहा है? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, अरे ईश्वर यही तो करता है, ईश्वर अभी तुझे कुर्सी से नीचे उतार रहा है और मुझे कुर्सी पर बैठा रहा है। इरशाद किबरिया है एलान मुस्तफा,
गर्व है। याद रखो, अगर कोई कुर्सी पर बैठ जाए और उसके चेहरे पर मक्खी बैठ जाए, वो मक्खी को मारता, इधर थपथपाता, मक्खी उड़कर इधर बैठ जाती, इधर थपथपाता, मक्खी उड़कर उसकी पेशानी पर, उसके चेहरे पर बैठ जाता। अल्लाह ने दिखा दिया, मैंने कुर्सी तुझे दी है, पावर मैंने अपने पास रखा है, आई एम सुपर पावर, मुझसे बड़ी किसी की ताकत और कुव्वत नहीं हो सकती। आपने फिरौन का नाम सुना होगा। फिरौन ही एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसने कहा था, अना रब्बुकुमुल आला, आई एम सुपर पावर, मुझसे बड़ी किसी की ताकत और कुव्वत नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने फिरौन को दरियाए नील में गर्क कर दिया, फिरौन की लाश को सारी इंसानियत के लिए इबरत बना दिया। उसकी लाश को न जमीन ने कबूल किया, न हवाओं ने कबूल किया, न फिजाओं ने कबूल किया, न आग ने कबूल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी लाश को सारी इंसानियत के लिए इबरत बना दिया। और नमरूद का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, सुना है। नमरूद ने बहुत अमरूद खाया। अमरूद की यह खासियत है, वो खुद तो हजम नहीं होता लेकिन दूसरे के लिए हजमोला और पाचक बन जाता है। एक लंगड़ा मच्छर नाक में घुसा और दिमाग में जाकर चिपक गया। और जो लंगड़ा होता है वो बड़ा चालू होता है, यहां कोई लंगड़ा तो नहीं है। लंगड़ा मच्छर दिमाग में घुसा, जाकर चिपक गया। नमरूद ने अतिबा को बुलाया, हुकमा को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, कहा जल्दी मेरे लिए कोई दवा तजवीज करो, जल्दी मेरा इलाज करो। कहा बादशाह सलामत, इलाज तो करूंगा लेकिन सबसे पहले जान माफ करनी पड़ेगी, खून माफ करना पड़ेगा। कहा जा, मैंने तेरी जान भी माफ कर दी, तेरा खून भी माफ कर दिया। उसने सोचा कि इसने पूरी जिंदगी खूब थपथपाया है, आज गोल्डन चांस मिला है। कौन सा चांस? अरे बोलो आगे से पीछे तक। उसने सोचा, भाई खूब थपथपाया है, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर थपथपाया, कभी जीएसटी के नाम पर थपथपाया, कभी पेट्रोल महंगा करके थपथपाया, कभी डीजल महंगा करके थपथपाया, कभी एनआरसी के नाम पर थपथपाया, और कभी आटा और चावल महंगा करके थपथपाया। उसने भी सोचा कि आज गोल्डन चांस मिला है। कौन सा चांस? आप तो गोल्डन चांस अब नहीं गवाएंगे इंशाल्लाह। अरे हाथ उठा के वादा कीजिए, बताइए गवाएंगे? इंशाल्लाह नहीं गवाएंगे। उसने भी सोचा कि यार आज गोल्डन चांस मिला। कहा बादशाह सलामत, थपथपाना पड़ेगा। कहा किस चीज से? कहा चप्पल से। किस चीज से? उस वक्त प्लास्टिक और रबड़ की चप्पल नहीं चलती थी। कौन सी चप्पल चलती थी? खड़मा। कह रहे खड़मा, हमारे तरफ कहते हैं खराम। कहा इस खराम से थपथपाना पड़ेगा। और लंगड़ा मच्छर इतना चालू था, जब थपथपाया जाता तो वो और चिपक कर बैठ जाता, जोर से काटता। अब जब उस खड़मा से थपथपाना शुरू किया तो वो खड़ाम बोलता, खड़ा 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 खड़ा, इतना थपथपाया, इतना थपथपाया, इतना थपथपाया कि उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कोई उसका पुरसाने हाल न हुआ। अल्लाह ने दिखा दिया
तू कहता है सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत मेरे पास है। याद रख तो मेरी ताकत और कुव्वत के सामने किसी की ताकत और कुव्वत की कोई हकीकत नहीं। फिरौन हमान ने अपना सिक्का खूब जमाया था, फिरौन हमान ने अपना सिक्का खूब जमाया था, रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था, रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था, बनवाई शादाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था, बनवाई शादाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। भाइयों, अल्लाह ईश्वर और परमात्मा से बड़ी किसी की ताकत और कुव्वत नहीं हो सकती। और हिंदुस्तान का मूल मंत्र है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। यही अल्लामा इकबाल ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और आज के इस इजलास से आम और जलसे दस्तारबंदी से मैं युवा हुकूमत तक ये पहुंचाना चाहता कि हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, सियाकार हो सकता, खताकार हो सकता, बदकार हो सकता, गुनहगार हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का बदकार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बदन में दर्द का सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दर्द का सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम, मगर जालिम, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान। जब हमारे मम्मी और पापा हज यात्रा पर गए, वो हिंदुस्तान के बॉर्डर को जब उन्होंने क्रॉस किया, तो याद रखो उनके हाथ में एक कड़ा था, उस कड़े में सिर्फ लिखा हुआ था आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूं। हम और आप हिंदुस्तान में रहते हुए, हम और आप हिंदुस्तान में अपना जीवन बिताते हुए आपस में खूब लड़ते हैं, भेदभाव करते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान से बाहर निकलता है हिंदुस्तान का रहने वाला, वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, जब वो हिंदुस्तान से बाहर निकलता है तो हिंदुस्तान से बाहर उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन, एक हिंदुस्तानी और एक भारतीय की होती है। इसलिए आज ये वादा कीजिए, हम सब मोहब्बत और प्रेम के साथ अपना जीवन बिताए हैं और हमेशा मोहब्बत और प्रेम के साथ अपना जीवन बिताते रहेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, इसलिए कि धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। जब जब धर्म के हानि होई, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। हिंदू मुस्लिम भाइयों, और यहीं पर रुक कर ये भी कह देना चाहता कि बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े सहाई, बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ने से कोई मुल्ला और पंडित नहीं होता। हाँ, अगर कोई भाई अक्षर प्रेम का, प्यार का, उल्फत का, मोहब्बत का, मवद्दत का, एक दूसरे के सम्मान का पढ़ले, तो उससे बड़ा सज्जन इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगुआ पंडित भया ना कोई, पोथी पढ़ी पढ़ी जगुआ पंडित भया ना कोई, भाई आकर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होई।
का प्रोग्राम था। जब मैं स्पीच से फारिग हुआ तो कुछ हिंदू भाई और क्रिश्चियन भाई मेरे करीब आए, आकर कहने लगे कि गुरुजी, एक बच्ची रो रही है स्टेज पर है, एक बच्ची रो रही है स्टेज पर है, जिस किसी की ये बच्ची हो वो आए और अपनी बच्ची स्टेज पर से ले जाए। इधर यहाँ सामने रखिए भाई, ये बच्ची देखिए भाई, बहुत रो रही है, अगर किसी की बच्ची खो गई हो आप स्टेज पर से उस बच्ची को लेकर जाइए। देखिए ये बच्ची है, किसी की खो गई है, रो रही है स्टेज पर है, जिस किसी की हो वो आए और स्टेज पर से अपने बच्चे को लेकर जाए। चलिए माशाल्लाह वो आ भी चुके हैं। अब इत्मीनान और सुकून के साथ आखिरी बात सुनिए, अब तक बहुत गौर से सुनने की जरूरत है, आपका ईमान ताजा हो जाएगा इंशाल्लाह। सुनने को तैयार है या मैं बात खत्म कर दूं भाई? अरे भाई कितने दीवाने मस्ताने हैं, कार्य अब कलाम था। चलिए भाई अल्लाह कबूल फरमावे, क्या शायर साहब देखिए माशाल्लाह। तो लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था, जब मैं स्पीच से फारिग हुआ तो कुछ हिंदू भाई और क्रिश्चियन भाई मेरे करीब आए, आकर कहने लगे कि गुरुजी आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी लेकिन एक बात मैं स्वीकार नहीं करता। मैंने कहा वो कौन सी बात है? कहा आपने कहा कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मैंने उनसे कहा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना नहीं है। उसने कहा आप ये बताइए क्या ईसा यसू समझते हैं, ईसा मसीह? उसने कहा क्या ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? मैंने उनसे कहा कि अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है तो आप ये बताइए कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह कैसे किया और ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र और पुत्रियों को तालीम और एजुकेशन कैसे प्राप्त करवाया? तो उसने मुझे चिढ़ाने के लिए कहा आप उस मोहम्मद की बात करते हैं, मोहम्मद साहब ने निकाह के सिवा शादी के सिवा और क्या किया है? उसने कहा मोहम्मद साहब ने शादी के सिवा और क्या किया है? आप अंदाजा लगाइए अगर कोई हमारे हिंदू भाई से कहे श्री कृष्ण जी ने शादी के सिवा और क्या किया है, इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया लेकिन श्री कृष्ण जी ने 16,108 विवाह किया जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सत्याभामा था, चौथी का नाम सिर्फ सतिया था, पांचवी का नाम जम्बावती था, छठी का नाम भद्रा था, सातवीं का नाम मथुरा वंदा था, आठवीं का नाम लक्ष्मणा था और नवी का नाम कालंदी था। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया लेकिन श्री कृष्ण जी ने 16,108 विवाह किया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियों का तस्किरा भी खुद हिंदू भाइयों की किताबों में मौजूद है। उस एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा उसकी सवारी ऊंटनी होगी और उनकी 12 पत्नियां होंगी। दिविर के माने 2, दश के माने 10, 10 और 2 कितने होते हैं? आगे से पीछे तक बोलो। बेशक आप अलैहिस्सलाम की 12 पत्नियां थी, पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, पांचवी का नाम ज़ैनब बिनते खुज़ैमा था, छठी का नाम उम्मे सलमा था, सातवीं का नाम ज़ैनब बिनते जहश था, आठवीं का नाम जुवेरिया था, नबी का नाम उम्मे हबीबा था, दसवीं का नाम सफिया था, ग्यारहवीं का नाम मैमूना था, बारहवीं का नाम मारिया कुतिया था जिसे यमन के बादशाह ने गिफ्ट में पेश किया था। बाद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे विवाह किया, उसी से इब्राहिम नामी पुत्र पैदा हुआ था। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियों की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह को अय्याश और रंगीला रसूल कहते तुम बताओ तुम श्री कृष्ण जी को क्या कहोगे? याद रखो गीता का श्लोक है यज्ञियं परचोच्छार्यवर सतदूधूत विमोचति।
परमात्मा के दिशा निर्देश के खिलाफ नहीं करते, श्री कृष्णा हो या अंतिम महापुरुष काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, उन्होंने जो निकाह किया वो ईश्वर और परमात्मा के आदेश के बगैर नहीं किया बल्कि उनके आदेश से किया। जब तक उनका हुक्म नहीं हुआ तो नहीं किया बल्कि उनके आदेश का पालन किया। ये किसने कहा हम में तुम में लड़ाई होगी, ये बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई हुई। जब मैंने उनके इस क्वेश्चन का ये उत्तर दिया तो उसने मुझसे कहा, बेशक ईसा अलैहि सलातु वसलाम ने निकाह नहीं किया। मैंने उनसे कहा तो आप बताइए आप निकाह करने में किसके आइडियल को अपनाएंगे, आप निकाह किसके तर्ज पर करेंगे। उसने कहा ईसा अलैहि सलाम ने निकाह तो नहीं किया, और जब निकाह नहीं किया तो पुत्र और पुत्रियां भी नहीं हुई। मैंने उनसे कहा बताओ तुम निकाह किसके तर्ज पर करोगे। अब वो लाजवाब हो गए। और मैंने उनसे कहा कि अब सुनो, इमाम मेहदी के जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम अवतरित होंगे, उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम के दो निकाह होंगे। कितने होंगे आगे से पीछे तक बोलो, दो निकाह होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मते मोहम्मदिया का काजी होगा, ईसा अलैहिस्सलाम के निकाह के गवाह उम्मते मोहम्मदिया के अफराद होंगे। खुद ईसा अलैहिस्सलाम का निकाह जिस खातून से होगा वो काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली होगी। खुद ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी उस वक्त तक कामिल व अकमल नहीं होगी जब तक के वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप अलैहिस्सलाम के आइडियल को ना अपना लें। तो उसने मुझे और चिढ़ाने के लिए कहा, आप उस मोहम्मद की बात करते तो आप बताइए मोहम्मद ने 12 विवाह क्यों किया। तो मैं और यह फैजाने देवबंद था, आले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, ये फैजाने देवबंद था। उस वक्त इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे कल्ब पर अवतरित हुआ। मैंने कहा बेशक आप अलैहिस्सलाम ने 12 विवाह किया, बेशक आप अलैहिस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया। इसलिए कि इस दुनिया में बसने वाला कोई भी इंसान किसी भी खातून से निकाह और विवाह करेगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई ना कोई खातून होगी। वो या तो उम्र में छोटी होगी या उम्र में बड़ी होगी। कितने हुए आगे से पीछे तक बोलिए, दो। अमीर होगी या गरीब होगी, कितने हुए भाई, नहीं समझ रहे हैं। संसार का कोई भी मनुष्य किसी भी खातून से विवाह करेगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से, इन्हीं 12 स्त्रियों में से कोई ना कोई स्त्री होगी। वो उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी, कितने हुए आगे से पीछे तक बोलो, कितने हुए, दो। अमीर होगी या गरीब होगी, कितने हुए, चार। कितने हुए, कुंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी, कितने हुए, अरे बोलो, सात। उसका कॉन्टेक्ट किसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा, कितने हुए, नौ। वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी, कितने हुए। वो मेड सर्विस होगी यानी बांदी होगी, आजाद करने के बाद आपने उससे निकाह किया होगा, कितने हो गए। मैंने कहा बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया कि अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो, किसी ऐसी स्त्री से हो जो अमीर हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी स्त्री से हो जो गरीब हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में छोटी
छोटी हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में बड़ी हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो कुंवारी हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो शादीशुदा हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कुलते तुम्हारी बिरादरी से हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कुलते तुम्हारी बिरादरी से ना हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिम हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो तो उसे श्रद्धा की तरह 35 टुकड़े मत करना बल्कि उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मेड सर्विस हो यानी बाल्टी हो तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारिया कुतिया के साथ जीवन बिताया हूँ। वो आप सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए 12 निकाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया कि अपनी माता का भी सम्मान करना अपनी वाइफ का भी सम्मान करना। इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपके जीवन में आई है। लेकिन आज हमारा हाल ये है अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। हाय ईश्वर और परमात्मा ऐसे दर्द से दर्द और एहसास ना हो तो वो अच्छा। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से बड़े प्रेम से कहा आई लव यू। आज हम सब कहते हैं ना भाई आई लव यू। आई लव यू कहना कैसा है भाई? मैं अब बात समेट रहा हूं भाई, दो चार मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। इसलिए कि कमेटी वाले को पहले बताना चाहिए कितनी देर बयान करना है। अचानक बयान खत्म करने के लिए कभी मत कहिए। जी 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 पहले से बताना चाहिए, टाइम लिखना चाहिए कि भाई किसको कितनी देर। जी जी हाँ 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 उन्होंने बताया ना मोना ही तो। चलिए इंशाल्लाह किसी और मौके से और बातचीत होगी इंशाल्लाह। और भी बहुत बड़े मेहमान आए हुए हैं दिल्ली से, आप लोग ये है कि उनको भी सुनना है आप लोगों। अच्छा बहरहाल कह रहे हैं भाई आई लव यू बोलने के लिए। भाई आई लव यू कह रहे हैं, आई लव यू कहना कैसा है? आई लव यू कहना कैसा? अरे अगर कोई अपनी मम्मी से कहे आई लव यू माई मदर, आई लव यू माई सिस्टर, आई लव यू माई फादर, आई लव यू माई सन, आई लव यू माई ग्रैंड फादर, आई लव यू माई इंडिया, बताओ सवाब मिलेगा या आजाद? अरे आगे से पीछे तक बोलो यार, लहक के बोलो, क्या मिलेगा? लेकिन अगर रास्ते में चलती हुई किसी गर्लफ्रेंड से कहे आई लव यू, हरे कह रहे चप्पल। मिर्जा गालिब से किसी ने प्रश्न पूछा मौलाना हबीब साहब, मुफ्ती कंदूज जमा साहब, मिर्जा गालिब से किसी ने प्रश्न पूछा चप्पल जेंट्स है या स्त्री, चप्पल मुजक्कर है या मोनस। मिर्जा गालिब ने कहा कि अगर जोर से लगे तो जेंट्स, आहिस्ता लगे तो स्त्री। अब आप क्या करना चाहते हैं? याद रखो नौजवानों, मोहब्बत और प्रेम में कभी किसी से विवाह मत करना। जो भी मोहब्बत और प्रेम में किसी से विवाह करता है वो जिंदगी भर रोता है। और मैं तमाम जिम्मेदारों की नजर ये करता, ये कहना चाहता, अपनी औलाद की निगरानी कीजिए। आज अगर आप अपनी औलाद को
अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को मारना चाहते तो ईंट पत्थर बम और बारूद की जरूरत नहीं, उसके हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल दे दीजिए, वो खुद ब खुद तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। तो वाइफ ने अपने हस्बैंड से बड़े प्रेम से कहा, आई लव यू। उसने कहा, आज आई लव यू कह रही हो, बात क्या है? कहा, आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं? कहा हां। तो कहा, तो बताइए अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? मुफ्ती साहब, कहा अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? कहा पागल हो जाऊंगा। कहा दूसरा निकाह तो नहीं करेंगे? कहा पागल तो कुछ भी कर सकता है। आए नौजवान, आज ये वादा करो, अपनी माता का भी सम्मान करना, अपनी वाइफ का भी सम्मान करना, इसलिए कि काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो माँ का सम्मान करेगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जो अपनी वाइफ का सम्मान करेगा, ज़ईफ रिवायत ही सही, फजाइल के सिलसिले में ज़ईफ रिवायत भी काबिले कबूल हुआ करती है। मुफ्ती साहब बैठे हैं, आप अलैहि सलातु व सलाम ने फरमाया, जो अपनी माँ का सम्मान करेगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जो अपनी वाइफ का सम्मान करेगा प्यार और मोहब्बत के साथ जीवन बिताएगा, कल कयामत के दिन अल्लाह उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दे। ऐ मुसलमानों, अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता, इसलिए कि सवार हैं सब, इंशाअल्लाह और बातें होगी बाद में। जब मैंने उन तमाम क्रिश्चियन भाइयों का और हिंदू भाइयों के क्वेश्चन का उत्तर दिया तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि आप जो कहें मैं प्रोफेट मोहम्मद को नहीं मानता। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, ला इकराह फी दीन, मजहब इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अलबत्ता इतना जरूर है, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह दीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजहब इस्लाम को लाइक और पसंद किया है। मैंने कहा कि आप कबीर दास को जानते? कहा मैं जानता हूँ, कबीर दास जी का भजन सुनता हूँ। मैंने कहा कबीर दास ने कहा, आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, दो मिलाकर पचगुन कर लो फिर बीस के भाग लगाए, बाकी बचे को नौ गुन कर लो और दो उसमें मिलाए। कहा कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या आए? मैंने कहा कबीर दास जी ने कहा, अब जितने डॉक्टर्स मास्टर्स स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं मैं सबका एग्जाम लेने चला हूँ, देखता हूँ कौन कौन कामयाब होना चाहते हैं और कौन कितना एक्टिव है, कौन कितने जहीन है, आज मैं देखना चाहता, आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं? वाह, अभी पता चल जाएगा इंशाल्लाह। कबीर दास जी ने कहा, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, आदत निकाल कर उसे चार से गुना करो, चार से गुना करने के बाद उसमें दो मिलाओ, दो मिलाने के बाद जो आंसर आए फिर उसे पांच से गुना कर दो, पांच से गुना करने के बाद जो जवाब आए उसे बीस से भाग दे दो, बीस से भाग देने के बाद जो जवाब आए उसे नौ से गुना करके उसमें दो मिलाओगे तो मोहम्मद बन जाएगा, मोहम्मद के नाम का आदत निकल आएगा। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसलन मोहम्मद, मोहम्मद में कितने लेटर्स हैं, कितने हरूफ हैं? चार लेटर्स हैं। और लिखो नोट करो, आप बहुत चतुर्वेदियों को सुनते हैं, जो मैं सुना रहा हूं वो आप कभी किसी से ना सुने होंगे ना सुनेंगे, लिखिए नोट कीजिए। मैंने कहा मोहम्मद में कितने हरूफ हैं? चार। कितने हैं आगे से पीछे तक बोलो? चार। मीम का अदद है 40, डबल मीम है तो 40 और 40। जब स्टेज भारी भरकम होगा तो इंशाल्लाह सामने बैठे हुए वो भी इंशाल्लाह बहुत भारी भरकम होंगे। कितने हुए? 80। हाँ का अदब है 8, 80 और 8। अरे बोलो यार, लहक के बोलो, 80 और 8। दाल का अदब है 4, 88 और 4। कितना हुआ मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मिफ्तारून जलालाबाद में मुफ्तियों को पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पता नहीं भाई कैसे इनाम सब थे, डबल डबल इनाम सब, वो नाम भी लेना नहीं जानते, ऐसे लोगों को इनाम करी में रखते हैं भाई, इतना बड़ा प्रोग्राम, शर्म आती है, नाम तक लेना नहीं जानते, करे गाजीपुरी, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये सलीका होना चाहिए। तो कितने हुए?
92 92 ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का अदद हुआ। दुनिया के किसी भी चीज के नाम का अदद आप निकालेंगे तो 92 मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का अदद ही निकलेगा। ये मैं नहीं कहता, कबीर दास जी कहते। एक एग्जाम्पल पेश कर देता, आम जानते हैं, आम को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मैंगो, MANGO, मैंगो। आम अलिफ का अदद है 1, नीम का 40, 40 और 1 कितने हुए? अब बोलिएगा, आ रहा आपका एग्जाम, 40 और 1 कितने हुए? 41। ये आम के नाम का अदद हुआ। 41 को 4 से गुना कीजिए, आप जल्दी कीजिए, 164। 164 में 2 मिलाइए, कितने होंगे? जल्दी बोलो, 166। 166 को फिर 5 से गुना कीजिए, और मोबाइल से मत कीजिएगा, हिसाब गलत आएगा, मोटू पतलू का बनाया हुआ है, अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए। मौलवी तो सबका एग्जाम ले लेता है, देखता हूं किसका मैथ कितना मजबूत है। अरे 166 को 5 से गुना कीजिए, कितने होंगे? 830। वाह माशाल्लाह भाई, हक अदा करना है। फिरदौस कौसर साहब क्या है, कोई जवाब नहीं, माशाल्लाह। 830, 830 को 20 से भाग दीजिए, जल्दी दीजिए। अरे 20 को के, अरे बोलो, 80, 3 का 3 उतर आएगा, 0 का 0 उतर आएगा, 20 एकम 20, 41 जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा। 10 को 9 से गुना कीजिए, 9 दही 90, 90 में 2 मिला दीजिए, कितने हो गए? कबीर दास के हुजूर की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं। आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर तजगुन कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुन कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा, सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है, कबीर दास परेश मोहम्मद और है भी नाम सर। कबीर दास ने हुजूर की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं। कबीर दास जी ने कहा, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का अदद निकालो, जमीन हो या आसमान हो, चांद हो या सूरज हो, सितारे हो या सैयारे हो, बदर हो या अमर हो, शजर हो या हजर हो, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का अदद निकालोगे, जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल को नहीं अपनाएगा, खुदा की कसम उसका बेड़ा पार नहीं होगा। यही तो तुलसीदास जी ने भी कहा, यहाँ न पक्षपात कुछ राखो, वेद पुराण संत मत भागो, संवत विक्रम दो अनंदा, महाकोक नश्चतु पर तंडा, राजनीति भव कीर्ति दिखावई, अपना मत सबका समझावई, सुरंचतु शूद्र सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक मति सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बागे जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। ओम शांति 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 शांति, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा। ये बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एक सांस जगाने के लिए है। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।